So hey guys, welcome back to the channel and welcome back to the another episode of Mahabaleshwar का गौरव। और आज का जो बढ़िया अनबॉक्सिंग होने वाला है वो है मेरे मोबाइल का, जो कि है Pixel 4a। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि कौन सा फोन ले लूं, कौन सा फोन लेना चाहिए। बहुत R&D किया, बहुत रिसर्च किया मैंने और फाइनली जाके मैंने लिया है Pixel 4a। लगभग 5 सालों से मैं मेरा आईफोन 6s प्लस यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने अभी जाके फोन लिया है। वैसे तो मैं आईफोन यूजर हूँ, तो मुझे आईफोन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आईफोन ही यूज करने वाला था, लेकिन जितना भी मेरा 1.5 साल का लास्ट एक्सपीरियंस है आईफोन के साथ वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरा कैमरा जो है वो शेकी हो गया था। आपको तो सबको पता है, जिन जिन के पास 6s प्लस है उनको वो इशू पता है कि कैमरा कितना शेकी होता है। और जो डिफॉल्ट है वो मैंने चेंज करवा के भी लिया, कैमरा फिर भी गया नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना कुछ अलग सा ट्राई करते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉयड होगा। तो मैंने फाइनली लिया है ये Pixel 4a गूगल का, और गूगल के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। गूगल के काफ़ी सारे सर्विसेज का मैं लाभ उठाता रहता हूँ। गूगल का लोकल गाइड है जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ। पिक्सल लेने का एक और फ़ायदा है कि ये बहुत ही बढ़िया सिंगल कैमरा है इसका, और मैं 6s प्लस का भी सिंगल कैमरा यूज़ करता था। अभी मार्केट में जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आ रहे हैं उन सब में 3-4 कैमरा है, लेकिन वो इतना क्वालिटी नहीं देते जितना कि सिंगल कैमरा हम यूज़ करते हैं। और हमारा जितना इस्तेमाल है सिंगल कैमरे का उतना हम माइक्रो लेंस का भी यूज़ नहीं करते और वाइड एंगल का भी यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो मैंने प्रेफर किया कि क्यों ना हम वन कैमरा, जो सिंगल कैमरा है उसका ही मोबाइल प्रेफर करते हैं। और मैं उस कैटेगरी का हूँ जो मेरा सिंगल कैमरा बढ़िया रहेगा तो मुझे वाइड एंगल का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सोचा मैंने और फाइनली मैंने गूगल पिक्सल के बारे में जितना भी रिव्यूज़ पढ़ा, जितने भी फोटोज़ एस्ट्रो फोटोलॉजी के लिए देखा, जितने भी फोटोज है इंस्टाग्राम पे है, R&D करने के बाद वीडियोस भी देखे मैंने, वीडियो क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा 90% वीडियोस जो है वो मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, जो कि है Redmi Note 8। और अभी जाके जितना भी कंटेंट रहेगा वो 4K में पिक्सल से रहेगा, तो थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। और पिछले 1.5-2 साल से मैंने आईफोन पे एक भी फोटो नहीं लिया, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ही शेकी हो गया था और उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। और 5 साल के बाद आईफोन में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे कि चार्जिंग कम होना, चार्जिंग के बाद साउंड क्वालिटी जो है, जो हियरिंग के लिए जो साउंड है आईफोन का, उसका भी क्वालिटी डाउन कर दिया है उन्होंने, और चार्जिंग भी 3-4 घंटे तक ही चलता है। तो इतने सारे इशू आ रहे हैं।
बाद इसमें सेलफोन के साथ। तो अभी बॉक्स को बाजू में रखते हैं और देखते हैं हमारा पे सबसे पहले
सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल महाबलेश्वर कर गौरव। मैं इसी तरह के अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह का वीडियो लेके, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।